मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले का मार्गदर्शन किया, प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। आप सबका यहाँ स्वागत। महिला और बाल विकास मेरे लिए विभाग नहीं है, मेरा अपना परिवार है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि व्यस्तताएं बहुत रहती है, लेकिन मेरे मन में सदैव से ये बात थी, जो मैदानी अमला है हमारा, जो परिणाम देता है, जो फील्ड में मेहनत करता है, कम से कम उससे तो बात हो। और दूसरी बात, हम मेहनत से काम करते हैं। कई लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, हमारी आंगनबाड़ी सहायिकाएं हो, कार्यकर्ताएं हो, सुपरवाइजर्स हो, सीडीपीओ हो, हमारे सहायक परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी हो। देखो, हम काम करते हैं तो काम करने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। एक बहुत सटीक उदाहरण एक कथा के रूप में मैं कई बार देता हूं और आपके सामने आपको इनको सुनाना चाहिए। एक मंदिर बन रहा था, मंदिर के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। गर्मी के दिन से सूरज अपनी किरणों से आग उगल रहे थे, पत्थर तोड़ने के काम में मजदूर लगे हुए थे। एक साधु वहां से गुजरे तो उनके मन में आए एक विचार, आए कि सब पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर के पास वो गए, क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, मई का महीना, गर्मी, पसीना पसीना, पूछने आ गए क्या कर रहे हो, किस वक्त फूटी है तो पत्थर फोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? बाबा आगे बढ़े, दूसरे मजदूर के पास पहुंच गए, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो अपेक्षा के साथ था कि बाबा दुनिया में आए तो जी नहीं पड़ेगा, ये पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा। फिर वो तीसरे उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो तीसरे का चेहरा गर्मी के बावजूद भी आनंद से दमक रहा था। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान के मंदिर के निर्माण में जो पत्थर लगना है उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है, मैं मंदिर के निर्माण के पत्थर तोड़ रहा। काम एक पत्थर तोड़ना, वो तो मजदूरी भी मिलती, लेकिन दृष्टिकोण थी किस्मत फूटी है, पेट भरने के लिए कर रहा हूं, और एक मेरा सौभाग्य। मेरी प्रिय बहनों भाइयों, अगर तीसरा दृष्टिकोण काम करने का हो जाए तो सचमुच में काम आनंद बन जाता है, काम ही आनंद बन जाता है। अब मैं हूं आप और लोग मेहनत करते हैं, अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं, अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, सवेरे से लेकर देर रात तक एक तरफ रहती थी, 8.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, पकड़ो तो चुप बैठी रहता आराम से, क्या तुझे विश्राम करने का हक है? एक क्षण भी तू कैसे व्यर्थ कमा सकता है? और करो और करो और करो, मैं दौड़ता रहता हूं दिन और रात। हमारी जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है, मिलना था इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और दूसरे इतनी मेहनत करके अच्छा काम करें और कोई प्रशंसा के दो बोल भी ना बोले, ये तो ठीक नहीं है। और इससे हमने तय किया कि जिन्हें बहुत अच्छा काम किया है, हमारे अपने साथी ही, हमारी अपनी बहनें ही, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए।